त्याचप्रमाणे स्वच्छ भारत मिशनच्या अंतर्गत जवळजवळ 7000 गावं ही आपण ओळख करून ग्रामीण स्वच्छ महाराष्ट्र भारत अभियानामध्ये देखील पहिला क्रमांक महाराष्ट्राने आपला कायम ठेवला आहे. आणि हे सर्व करत असताना स्वच्छता ही एकीकडे लोकांची सवय झाली पाहिजे, तिकडे लोकांना त्याकरता व्यवस्था देखील झाली पाहिजे. ठिकठिकाणी शौचालय तयार करणं, सार्वजनिक शौचालयाची निर्मिती करणं असा एक अत्यंत महत्वाचा कार्यक्रम हा आपण हातामध्ये घेतला आणि त्याच्यामध्ये अनेक वेगवेगळ्या संस्थांनी आपलं स्वतःचं प्रश्न आहेत काही ईशान कौन सी ईशान एक मिनट बॉलीवुड ओके. और कोई सेफ्टी मेजर्स लिया क्योंकि जैसे कल हुआ एक ट्रैफिक पुलिस के साथ, तो उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कोई सेफ्टी मेजर भी लेना चाहिए इसके अलावा? सबसे इंटरेस्ट जो जॉब है एक्चुअली, जो हम लोग आम जनता भूल जाते हैं कि बस से रात तक ये लोग रूट में खड़े रहते हैं, हमारे ट्रैफिक कॉन्स्टेबल ना पानी सुविधाएं ना प्रॉपर सैनिटेशन की सुविधाएं. जैसे कि अब ये कैंपेन स्टार्ट हुआ है तो बहुत ही अच्छी बात है कि ये एक बहुत ही जरूरी चीज़ है. उनको सुविधाएँ के बगैर वो सुबह से रात तक खड़े होकर हमारे शहर की सेवा करते हैं. लेकिन कितनी बार हम गाड़ी में से पहुँचते ये भी सोचते हैं उन्होंने एक गिलास पानी पिया होगा कि नहीं. और जहाँ तक कि ऐसे लोगों की बात है जैसे कि उन्होंने तो एक बहुत ही बड़ी चीज़ की जो पर्सनलिटी रहता है, उन्होंने डेथ पे भी अपने ऑर्गन्स डोनेट किए, जो मैं वो भी एक कैंपेन की एम्बेसडर हूँ और ऑर्गन डोनेशन में बिलीव करती हूँ. तो एक ये बहुत ही उन्होंने मरते मरते भी वो हीरो साबित हुए. तो ये जो हमारी सेवा करते हैं जो हमारे हमको कभी मौके देखते नहीं है, लेकिन एक्चुअली जो है जो तो बहुत जरूरी है कि ऐसी सुविधाएँ उनको देना और हम लोग को भी थोड़ा बहुत सोचना. और मैं भी समझती हूँ कि उनकी सैलरी बिल्कुल बढ़नी चाहिए क्योंकि जिस तरीके का काम करते हैं एंड कहीं ना कहीं अगर आप लोग आम जनता भी यू नो कभी कभी करप्शन बढ़ता जा रहा है ये वो है, लेकिन आप अगर एक नॉर्मल कॉन्स्टेबल की सैलरी लेंगे तो दैट इज़ नथिंग, एक्चुअली कुछ नहीं है. तो कहीं ना कहीं आई फील मैं रिक्वेस्ट कर चाहूँगी सब यहाँ पे मौजूद है कि अच्छा मौका है कि कहीं ना कहीं आई फील जो हमारे यू नो हमारे शहर और देश के सेवक हैं उनकी सबकी सैलरी वेरी वेरी नेसेसरी टू ब्रिंग देम अप. Thank you.
And, you know, in Pune, we have gotten 100 trucks now on the streets covering almost 30% of Pune, with more than 100 people using imported machines to pick up the garbage and process it in a green manner. This is first time happening in India. Hamare desh mein pehli baar India mein ye aisa ho raha hai, jo Pune Bina hamara jo program hai, aur, you know, to raise the vision and the dream of Shri Prime Minister, CM of Swachh India, Swachh Bharat, Swachh Maharashtra, unless citizens and corporates come together and join hands with the public sector, this will not be possible. We are voting for the ruling. मतलब सेफ्टी मेजर्स ज़्यादा लेने चाहिए सुमित सामाजी थैंक यू सो मच एक साथ में फोटो मैम एक साथ में फोटो तू कब से कर रहा है फोटो रे मैम भैया रविना जी रविना जी